हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह हो चुकी है और मैंने जो अपना काम है ना सब फिनिश कर लिया है। फिलहाल तो मैं ना बैठी हूँ बच्चों के पास में, क्योंकि ना किट्टू आया हुआ है। रात आ गया था किट्टू, माँ जी आई थी, ताऊ जी आए थे रात, और यहाँ पे पास में बुआ जी रहती है मेरी। तो फिलहाल तो यहाँ पे जा रहे हैं ताऊ जी, और तो किट्टू यहाँ पे ही है। और ये ना सो रहा था, और सुबह के टाइम में माँ जी को लेनी थी दवाई, तो जो है कल दवाई जो है ना बुआ जी के यहाँ पे छूट गई थी, तो बस अब जो लेने के लिए गई है वहाँ पे। और कल वे चले गए थे हरिद्वार, वे कल यहाँ से 3 बजे निकले थे, और जो है घाट पर जो है हरिद्वार जो है घाट पर हरि घाट पर पहुँच गए थे। वे 6 बजे पहुँच गए थे लगभग। ऋषिकेश जाएंगे दर्शन जो है, और ये विधान भी आया, ये लेके आया अमरूद, और पर अमरूद लेके तो आया है आधा खाया हुआ अमरूद, मतलब नीचे से आया था। हाँ लेके आया तो था, पर रास्ते में खाता हुआ आया है। विधान गुड मॉर्निंग बोलो सबको। मॉर्निंग किटू बोले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोल जल्दी बोल दे। रुई की याद नहीं आ रही तुझे? रुई से ना रात बात करवाई थी मैंने वीडियो कॉल पर किट्टू की, भैया भैया करने लगी थी किट्टू को। भाई फिलहाल ये दोनों बैठकर जो है ओगी एंड द कॉकरोच चिप्स देख रहे हैं। बाबू आप ऐसे मुंह क्यों बनाते हो? पसंद है कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो वे तो जो है वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर। सुबह से उनकी वीडियो कॉल आ गई थी, दिखा रहे थे वहाँ पर कि मतलब घाट वगैरह दिखा रहे थे, मेरे भी सुबह से दर्शन कर रहे। रात भी दिखाया था उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है गंगा में बहुत पानी आ रहा था। हाँ जी वो उठने लगा था वहाँ से उस टाइम पे, गंगा घाट पर जाकर नहाने लग रहे थे ना वहाँ पे, इस वजह से। कहाँ चल दिया विधान? फिलहाल तो जो है बस बैठी हूँ, अब नीचे चलूंगी किट्टू को नाश्ता करवाऊंगी। देखो अभी किट्टू ने किया ना सेम, वो भी ऐसे करने लग रहा। बाबू ऐसे नहीं किया करते, ये कॉपी के टाइप बिल्कुल तो सेम ऐसे ही करेगा। चलिए तो अब चलती हूँ नीचे, और ताऊ जी माँ जी भी शायद दोपहर तक आ जाएंगे, और देखते हैं कब तक आएंगे। क्योंकि कार्तिक घर के साथ ही निकलने के लिए बोल रहे थे कि कार्तिक घर के साथ ही निकलेंगे, तो चले तो हाँ शाम तक आएंगे। क्योंकि कार्तिक घर भी जो है कार्तिक कुणाल और वे और गली के मतलब हमारे सामने के 2-3 जा रहे हैं, और उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं सारे सारे घूमने के लिए। आप अगर देखना होगा तो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मनीष उपाध्याय ब्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, जाकर जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब मिलते हैं आपसे। भाई देखिए माँ जी का और मेरा और ताऊ जी का प्लान बन रहा है खट्टू श्याम जी का, जो मुजफ्फरनगर में खट्टू श्याम जी का मंदिर है ना वहाँ पे दर्शन करने का। तो ये रही ताऊ जी और रही माँ जी। नहीं ताऊ जी लेटते रहो, ये हमारे ना जो सोफे है ना सोफा कम बेड है, हो हम भी नहीं लटक रहे हैं। तो अब जा रहे खट्टू श्याम जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए। ये रही माँ जी, हेलो बोलो माँ जी। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे मंदिर में। सो गाइस शाम हो रही है और हम जो है खाटू श्याम से आ गए थे। वहाँ पर जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ना
मुझे पता नहीं था कि आज एकादशी है। और यहाँ पर जो एकादशी पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ एकादशी पे खाटू श्याम जी के मंदिर में मुजफ्फरनगर के, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी भीड़ होएगी। और तो बस वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया था, उसके बाद जो वहाँ पे बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया था हमने, और राम सिया जी का जो मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाकर ताऊ जी और माँ जी जो है उधर से ही जो है बस स्टैंड पर चले गए थे, और मैं मम्मी और विधान जो है घर पर आ गए थे उन्हें छोड़ने के बाद। और बस घर पर आके थोड़ी देर आराम किया, बस अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शाम हो चुकी है, अब जाऊँगी मैं नीचे, गोपाल जी को मैंने जो है रेडी कर लिया है नीचे लेके जाने के लिए। चलो गोपाल जी नीचे, चलो तो हम अब जाते हैं नीचे। और बेबी जो है बस हरिद्वार पहुंच गए, पहले तो गए थे हरिद्वार से ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से अब जो है फिर हरिद्वार आ रहे हैं, वहाँ पर गंगा जल ले जो है फिर घर पाएंगे। रात लेट हो जाएंगे वे थोड़ा सा, और जैसे भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। चले तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा हमारे मुजफ्फरनगर का, और बारिश पड़ रही है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। कई दिन से सोच रहे थे कि बारिश पड़ेगी पर पड़ ही नहीं रही थी, हो ही नहीं रही थी बारिश। आखिरकार भगवान जी ने जो है बारिश डाल ही थी। देखिए बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, और नीचे है विधान, तिरछी बारिश आ रही है, बस सोफे ना भीग जाए यहाँ पे। और ये देखिए फिलहाल जो है कपड़े धोए थे, ये कपड़े हमने यहाँ पे सुखा रखे हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है ना, तो यहाँ पे डाल दिए सारे कपड़े, सब कपड़े अब ये कुछ तो सूख गए हैं क्योंकि। तो मैं भी जो है फिलहाल लेट रही थी क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस कारण थक गई थी। कपड़े धोए थे ना तो पैर में भी इतना दर्द हो गया था, पेन हो रहा था पैर में, और हल्के हल्के सूजन आ गई थी पैरों पर इस वजह से। अच्छी बारिश पड़ रही है, मज़ा आ रहा है एकदम, पर चाय साथ में हो ना कुछ ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। ज़ोरदार बारिश पड़ रही है। चले तो अब जो है छोटे बाल दूर आपसे हूँ क्योंकि ना ये भी आ चुके हैं, और कल है मुझे टाइम नहीं मिला उसके बाद, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कुछ तो इन्हीं का वेट कर रही थी मैं, कहीं आएंगे उसके बाद ही जो है आप सबको दिखाऊंगी। मैं सोचती थी 8 बजे आ जाएंगे और उसके बाद जो व्लॉग डाल दूंगी। 8 बजे तो क्या ना हरिद्वार के, 8 बजे तो आप चले थे वहाँ से, और ये आए रात 10 बजे, 10:30 बजे आए थे। हाँ तो फिर उसके बाद जो है मैंने व्लॉग बनाया नहीं, मैं कब क्या डालूंगी, फिर मैं नेक्स्ट डे ही डाल दूंगी, तो इसलिए कल व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि इनका वेट कर रही थी। तो भाई इंटरेस्ट था वहाँ पे, बहुत मजा आया हमें। सबसे पहले ना हम गए शिवपुरी, हमारा पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार रुके रात के टाइम, हमने वहाँ पे घूमे फिरे, एंजॉय किया। हाँ जी लोग आएगा मेरा देख लेना। उसके बाद सिद्धम ऋषिकेश का प्रोग्राम था, फिर शिवपुरी का प्रोग्राम बन गया बीच पे, वहाँ पे गए बीच पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, मतलब शूटिंग वूटिंग हो रही थी, फोटो शूट हो रही थी, शूटिंग चल रही थी किसी, मतलब वो होता है ना प्री वेडिंग शूट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, प्री वेडिंग शूट बहुत हो रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत शूटिंग चल रही थी, मतलब महाकाल वगैरह बन रहे थे जो लोग बाग, मतलब उस तरह के कर रहे थे, फिर थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे व्लॉग बना लिया और देख लेना मेरे व्लॉग में। उसके बाद सिद्धम ऋषिकेश आए, ऋषिकेश अपने नहाए अच्छे से, नहाने के बाद फिर दोबारा हरिद्वार आए, मनसा देवी की चढ़ाई करी हमने, मनसा देवी को साथ चढ़ाने के बाद फिर हम आ गए नीचे और फिर चलते थे हम ये लिए। तो रात फिर कार्तिक घर तो निकट गए थे रात के टाइम में क्योंकि उनको जाना था, जिम खोलनी थी और एक स्कूल जाना था, इसी वजह से थक भी गए थे भाई चढ़ाई करते। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा आप लोग हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।